कुख्यात रंजित सफेलकर टोली के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मकोका के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने सफेलकर के करीबी कालू हाटे, उसके भाई भरत हाटे, हेमंत गोरखा, छोटू बागड़े, इसाक मस्ते और अन्य साथियों को आरोपी बनाया है। इसी बीच शुक्रवार को सफेलकर टोली के खिलाफ जमीन कब्जा कर 50 लाख रुपए का हफ्ता मांगने का तीसरा मामला भी दर्ज हुआ है। सफेलकर ने साथियों की मदद से 4 मार्च 2012 को मनीष श्रीवास की अगवा कर हत्या की। 9 साल बाद क्राइम ब्रांच ने इस गुत्थी को सुलझा कर सफेलकर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। रंजीत 12 अप्रैल तक हिरासत में है, जबकि कालू भरत तथा हेमंत नाइक हिरासत में जेल में चले गए। सफेलकर टोली द्वारा हफ्ता वसूली, जमीन पर कब्जा करने आदि मार्ग से काफी संपत्ति बनाए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने सफेलकर के खिलाफ मकोका की कार्रवाई की है। तीसरा मामला जुनिकामठी थाने का है। भिलगांव निवासी डुमन प्रगट का खैरी में थाबा था। इस पर प्रगट ने दुकान और कमरे बनाए थे। प्रगट ने यह धाबा 12,000 रुपए माह से जितेंद्र कटारिया को किराए पर दिया। तय किराया नहीं देने पर प्रगट ने कटारिया को धाबा खाली करने को कहा। प्रगट जब भी ढाबे पर जाता तो उसे वहां सफेलकर और उसके साथ ही मिलते थे। उनसे घबरा कर प्रगट ने जमीन एक फार्म को बेच दी। प्रगट और उनके परिजनों ने ढाबे पर जाकर उसकी बिक्री का हवाला देते हुए उसे खाली करने को कहा। इसके बाद कटारिया ने प्रगट को ही नोटिस देकर जमीन का उसे 1,10,00,000 रुपए में अनुबंध किए जाने का नोटिस जारी किया। जितेंद्र कटारिया ने प्रगट की जमीन पर अपने नाम का फलक लगाकर अदालत में विवाद होने की फर्जी जानकारी दी। फलक हटाने के लिए बोलने पर कटारिया ने तलवार दिखाकर मारपीट की। ढाबे के 4 रूम पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद सफेलकर ने इमन प्रगट को कामठी स्थित कार्यालय पर बुलाया। यहाँ सफेलकर, कालू भरत, जितेंद्र कटारिया, प्रताप कटारिया भी मौजूद थे। भरत ने प्रगट को धमकाया और 50 लाख रुपए भी मांगे। भयभीत होने से प्रगट ने 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हुआ। 10 लाख रुपए देने के बाद प्रगट को मुक्त किया गया। क्राइम ब्रांच द्वारा सफेलकर की टोली की गिरफ्तारी का पता चलने पर प्रगट शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने आया है। उनका कटारिया पर 5,20,000 रुपए का किराया बकाया था। इसी तरह कटारिया ने सफेलकर टोली की मदद से ढाबे पर कब्जा कर 10 लाख रुपए की उगाही भी की थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज, नागपुर।